गरीब नवाज के दरबार में वही आते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। आमदार भरतचंद गोगावले यांच्या विजयासाठी प्रमुख मुस्लिम कार्यकर्ते अजमेरला रवाना। ख्वाजा गरीब नवाजला मुस्लिम समाज बांधवांनी घातलं साकडं। महाड विधानसभा मतदारसंघातील मुस्लिम बांधवांनी अजमेर येथील ख्वाजा मोईनुद्दीन चुस्ती यांच्या दर्ग्यावर चादर चढवली आणि आमदार भरतचंद गोगावले यांच्यासाठी चौथ्यांदा पुन्हा आमदार होण्यासाठी साकडं घातलं। यावेळी आमदार गोगावले यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करताना सांगितलं की आम्ही प्रत्येक निवडणुकी अगोदर ख्वाजाकडे घेऊन चादर चढवून मागणं मागत असतो। ही आमची चौथी टर्म आहे, त्यामुळे आम्ही महाड विधानसभा मतदारसंघातील सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन साकडं घातलं की चौथी टर्म ही रेकॉर्ड ब्रेक मताधिक्यानं विजय होऊन यायला पाहिजे असं साकडं घातलंय। खुदा जे तुम खुदा तुम्हारा तुम्हारी सारी खुदाई है कि वो उधर है कि इस दर पर बदल जाती है तकदीरें, इन सब की बिगड़ी बना दो तुमने लाखों की बनाई है, और तुम्हारे नाम पर कुर्बान सौ सौ बार हो जाएं कि तुम ही ने इनकी डूबी हुई कश्ती तराई है, और खुदा रखे सलामत कयामत इनकी निस्बत को कि मेरा ख्वाजा चिरागे खानदान मुस्तफाई है। या हुजूर गरीब नवाज, अगली बार आपकी बारगाह में मंत्री पद के साथ हाजिर हो गरीब नवाज, चौथी बार बहुत अच्छी जीत के साथ हाजिर हो गरीब नवाज, कामयाबी से नवाजिएगा ख्वाजा साहब। ये आपके शहदाई हैं, ये आपके दरबार के सवाली हैं, ये आपके दरबार के भिखारी हैं, आपके दरबार की रहमतें बरकतें इनके घरों में अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आज ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के दरबार में हम लोग के सभी मुस्लिम शिव सैनिक यहाँ पे हाजिरी दिए हैं अपने लाडले आमदार को लेके आके, और हम लोग यहाँ आहत कर रहे हैं सारे मुसलमान। हर बार हर वक्त हम लोग यहाँ मिन्नत के लिए आते हैं, और चौथी बार भी हम लोग आए हैं, और ख्वाजा का डंका महार मतदार संघ में बज चुका है, और आने वाले इलेक्शन में सारे मुस्लिम समाज एकजुट होके हम आहत कर रहे हैं कि आमदार भरतचंद गोगावले को ही वोट देंगे, साथ देंगे, और अपना हक्का आमदार हम चुन के लाएंगे। इरादे लाख बनते हैं मगर बनकर टूट जाते हैं। आमदार साहब, आज अपन अजमेरच्या ख्वाजा गरीब नवाज दर्ग्यामध्ये आलेला आहात, तुम्ही प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी या दर्ग्यामध्ये येऊन चादर चढवता, ह्या वर्षीही आपण या दर्ग्यामध्ये येऊन चादर चढवली आहात, तर त्या पाठीमागचा आपचा आपला उद्देश काय आणि कशा प्रकारे आपण याच्या पुढे? ख्वाजा के दरबार में जो कोई आता है वो कभी खाली हाथ जाता नहीं। ये मेरा तीन बार मैं जो एमएलए हो चुका हूँ उसका मेरे को पूरा भरोसा है, और इसलिए मैं चौथी बार भी आया हूँ, और ये बार आते टाइम मेरे साथ मेरे सब मुस्लिम भाई बहुत बड़े संख्या से आए हैं। आप देख रहे हैं कि इधर आके क्या सुकून मिलता है, वो आप लोगों ने सब अनुभव होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं चुनाव के लिए खड़ा रहता हूँ तो मैं ये एक बार इधर आना ही है, ऐसे मेरा तीन बार होके गया, ये चौथा बार भी मैं आया है, ये मेरा पूरा गारंटी है कि मैं चौथा बार के लिए भी अच्छे वोट से चुन के आऊंगा कि मेरे ये गरीब ख्वाजा नवाज के दरबार में मेरी मन्नत है और वो पूरा करेगा।